राम राम भाइयों, अभी मन्नू मूवीज़ यूट्यूब चैनल से मैं हूं आपका भाई पवन मलिक। और आज भाई इस एक हरियाणा के अति खास सुपरस्टार से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे, भाई सुनील गोरखपुर। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। राम राम पलवान जी। राम राम भाई। सारे छोटे बड़े भाई ने ठीक ठाक है? हाँ भाई जमा ठीक है। पलवान जी कौन सा काम अपना? गोरखपुर है भाई। वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में? फतेहबाज में भाई। तो पहलवान जी कितने दिन से कबड्डी खेलो? भाई 2016 में स्टार्ट करी थी मिनी ओपन तय, फिर 2 साल मिनी ओपन खेले, फिर पिछले साल तय ओपन खेला, हर साल भी ओपन है। एज कितनी? एज भाई मैं 22 साल का हो गया। हाइट 5'11" 6'1" है भाई। वेट कितना? वेट 97 भाई। कितना पढ़ा लिखा है? मैं भाई बीए में हूँ, बीए फाइनल में। मामला चल रहा है? हाँ बीए फाइनल में भाई, क्लियर हो जाएगी। तो जैसे कबड्डी में कैसे रुचि हुई? मैंने कबड्डी खेलनी। बस भाई स्टार्टिंग थे, मतलब हमारे गांव में कबड्डी का ज़्यादा रुझान है, मतलब गाँव में आपका सिस्टम हो जाए, हमारे गांव में कबड्डी तो शुरू थे मतलब ज़्यादा वो है, तो मतलब बड़े स्कूल में जाया करते हूँ अंडर फिंडर फुटबॉल खेलने, तो उसने नू देख देख के नू जी हाँ करने लग गया। बस भाई ऊँ ये सीनियर थे जो मोपलू और कपिल पहलवान और थे, वो खड़े कर लेंदे बीच में कैसेट में रेड मरवा लेंदे, बस भाई नू देख देख के अर्जी करने लग गया खेलने का। फिर रेड में कैसे आए? पहला कैच में कहो खड़े करा कर दे, रेड में कैसे घुसे? बस भाई नू स्टार्टिंग तो मोपलू था रेडर केला हमारे गांव पे, और कोई रेडर होता तो नू कह करते रेड की तैयारी कर ले, कैचर ज़्यादा है तो भाई इस हिसाब से फिर वे सारे कया भी करते भाई तेरा घात भी रेड रेड आड़ा है, तो जाना रेड की तैयारी शुरू करती थी। मज़ा आ रेड करते? हाँ भाई आओ जमा सही। तो जैसे कई दिन मिनी खेले? हाँ भाई। मिनी 2 साल खेले? हाँ भाई 2 साल। मिनी में बेस्ट में लगे थे? हाँ भाई 4-5 जगह। के नाम मिले जैसे? भाई घी का पिप्पा था एक जगह, नगद कैश दिए थे एक, कैसे जा रहे थे भाई घी का? एक बात सुनो, मान ले घी का पिपा मिल गया, घी का पिपा जो टीन है उसने लेके घर चला गया, एक लायक हायर है का देवगर कह रहे हो खाने ना भाई? सारे मिल जुट के सारे भाई कदे नु कदे दा हुआ मन मिल रहा हाथ ना ला दिया ना ना इसी कोई बात कर भाई। तो पहलवान जी जैसे खेलना शुरू कर दिया, किसके हाथ के नीचे खेलना शुरू करा भाई, कौन गुरु बनाया? गुरु भाई मोपलू है, मोपलू पहलवान ये है मतलब सीनियर, पहले तो मतलब बालके रहे तो ये बढ़िया हो रहे थे भाई, फिर इनका चोट सी लगी, फिर माम भी थोड़े ठीक हो गए, गांव में खेलना शुरू कर दी थी, तैयारी करवाई, बेदू कोच है भाई साहब उनकी, 1 साल बढ़िया तैयारी करवाई, हमारे मिनी में बढ़िया मैच लगे, ओपन में बढ़िया मैच लगे, तो इस साल तो भाई बल्कि चोट थी सारी टीम का, अमरजीत का भी चोट लगी थी, मेरे भी चोट लगी थी, तो इस करके बढ़िया थोड़ी तैयारी को नहीं होने पाई भाई, मोपलो की भी चोट थी, मतलब सारी टीम का लगभग चोट थी, तो बढ़िया तैयारी को नहीं होने पाई इस बार, फिर भी कुल मिला के टीम ठीक चल रही भाई। मैं देखो भाई सारे मैचा में मोपलू थारा गए लाभ है, पहलवान जी हर जगह आपका साथ आवे हैं, मान लो भाई तुम के खेल लाग रहे हो किसी कारण भाई सुनील की वजह से मैच लूज हो गई, तो क्या डांट थप्पड़ जब पाठ खाने को मिला? हाँ भाई मोपलू कई बार गुस्सा तो करे, गलत खेला तो कैच लाए जे तो गुस्सा करे भाई, धमकाओ भी है समझाओ भी है, अकबर तो इतनी ओर गलती थी, इतना यो ध्यान कौन दिया, रिलैक्स हो गई मतलब समझाओ भी सारी बातें, आगे यो ध्यान रखिए, किसी बढ़िया टीम का मैच आओ तो बढ़िया कैचर है उसका, इसकी या ट्राई है वो भी बताओ है, या ट्राई नू कटेगी या भी बताओ है, मतलब पूरा ध्यान? हाँ पूरा ध्यान रखे भाई। तो पहलवान जी जैसे भाई कोई भी प्लेयर है, आप भी एक अच्छे रेडर हो, लेकिन आपका भी कोई फेवरेट होगा? हाँ भाई मेरा पठान गोरखपुर, मतलब अपना काम क्या है नाम? मैं हूँ वास्तु भाई पठान का फैन हूँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो जैसे भाई कैचर वो भी कोई गोरखपुर का हो रहा? हाँ भाई प्रवीण कुंभा। प्रवीण कुंभा? हाँ प्रवीण कुंभा, तो बढ़िया एकदम स्टार प्लेयर का नाम लिया है। प्रवीण के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई साहब, प्रवीण ही एक ऐसा खिलाड़ी सामने आया है जो भाई कोई भी नशा पता कुछ भी नहीं लेता, क्यों भाई साहब? हाँ सही बात है भैया, बिल्कुल किसी प्रकार कोई इंजेक्शन वगैरह कोई भी यूज नहीं करता प्रवीण। तो भाई सुनील मैं एक बात जानना चाहूँगा, जैसे पहलवान जी कोई भी नशे पते आता सब क्या है तो दूर हैं, क्या आप भी? हाँ भाई लगभग 99% दूर है। हाँ 1% क्यों? हाँ 1% भाई कई बार चोट चाट लाग जाए या मतलब जुगर शोल्डर में खिंचा हो रहा है भाई, तो उस कारण करके दर्द का इंजेक्शन लेना पड़ जाए भाई, बस यो है, और इससे तो ज़्यादा कुछ यूज़ गुन कर दे हमारी टीम कोई किसी प्रकार का इंजेक्शन कोई कुछ यूज़ गुन कर दे इसके खिलाफ? हाँ भाई बिल्कुल खिलाफ। हाँ पहले भी कई जगह वो मतलब आए थे वो मतलब नशा मुक्ति वाले जोधर पहलवान और सीनियर, तो भाई हमारी टीम पे उनकी मतलब चेक करूँ थी, कोई ऑब्जेक्शन हो पाया कोई किसी प्रकार की सीनियर मेडिसिन कुछ कौन पाया, तो वो बल्कि खुश भी हुए थे भाई, अच्छी बात है तारी नहीं यूज कर देता मैं। बहुत साइड इफेक्ट है? हाँ भाई बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है भाई, बताओ है मतलब, तो तभी पहला है भाई मतलब ठीक से हुए थे जब खेलने नहीं लग रहे, तो पहले बता दिया भाई इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है, क्यों मोपलो सारी जहाँ खेल रहे भाई सीनियर, बोला खेलना छोड़ दियो ये चीज़ यूज ना करियो, तो भाई उसे डरते हैं लाइफ खराब कौन करनी यार एक गेम के पीछे भी, तो बस भाई इसी कारण के मोपलो खुद मतलब सीरियस इस बात का कौन यूज करने देंगे, दर्द का इंजेक्शन में भी नुए को एक बार तो प्लास्टर वस्टर ले ले गोली ले ले इंजेक्शन ना यूज करे। बहुत बढ़िया सलाह। हाँ भाई
बहुत बढ़िया है। सीनियर पहलवान का ये फर्ज भी बनाया है कि अब अपने तो जूनियरान अड़ंग बड़ंग तन्ने से पता तो दूर रखे, अच्छी सोच है। तो जैसे भाई साहब खेलो हो, कई दिन तक खेल लाग रहे हो, इस खेल में चोट पेट भी घनी है, भाई इंजरी होती है, रहा है क्या परिवार में सारे का सहयोग है भाई खेल लिया चोट पेट लागे जब एक आधा नू कह दे बस रहे छोड़। हाँ भाई, वो जो है मेरे पिछली साल खरड़ डाली पर टांग टूट गई थी 26 जनवरी वाले दिन, तो भाई घर के लड़े भी थे अकबर को नहीं खेलना है बागे को नहीं खेलना, फिर भाई खेले भी ना रहा भी कौन जानता कि मैं टीम वाले जाके धक्का कर लिया भाई खेलना पड़ेगा, तो करके भाई कितनी देर नाट है तो बरेले। हाँ बाकी खिलाफ जरूर है कि भाई चोट पेट का खेल है, पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दे, फिर भी भाई खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। गांव भी मतलब नहीं जाओ थोड़ा सारा काम कर आना हो जाए, मतलब हम जानते कौन टीम कौन पर दे, हमारे गांव में भी ज़्यादा पसंद करे कबड्डी ने, तो भाई मतलब कि मैं तो काम करके भी और कि मैं भाई खुद की भी रुचि है तो भाई जी करें जो स्पोर्ट मिला है नहीं वो खेल तो भाई थोड़ा अच्छा भी लागे खेल के, भाई इज्जत हो है काम में। बहुत बढ़िया बात है। जैसे पहलवान जी आप कबड्डी खेल लो हो, कई साल तक कबड्डी खेल लो हो, खास दोस्त भी बनाया होगा कोई? हाँ भाई काफ़ी है, बाहर की भी है भाई, सारी टीम तो है ही, खास खास कोई एक खास? हाँ प्रवीण कुंभा है क्लोज फ्रेंड है, राहुल है सीसराड़ा, बिल्ला बलबेडा है भाई, कई अच्छे फ्रेंड भी है भाई, नॉर्मली बोलचाल तो सब गले है जिनका मतलब डेली है बी पे फेसबुक पे व्हाट्सएप पे बात हो जाए। तो जैसे भाई कबड्डी खेलो पूरी इंजॉय कर रहे हो? हाँ भाई जमा मजा आ रहा है। हाँ भाई मजा आ रहा है। गति नौकरी का जुगाड़ बनया? ना भाई अब तक तो कौन बनया, बाकी पढ़ा भी यहाँ गल है, सरकार तो पलट रही है खट रह रहा है तो कौन लादा दिखता उड्डा तो है जब बेसिक मिल जियो निजे भाई देखो भी के रहूगा। देखो भाई अगर कोई सरकार का कोई भी कारिंदा इस चीज़ को सुनता हो तो यह बात बड़ी सोचने वाली है। मैंने आज दो तीन पहलवाना का इंटरव्यू लिया है, वे एक का बात कहे हैं भाई खट्टर नहीं लगाता, तो खट्टर साहब इस बात ने बदलो और के बेरा बना लो अपनी थोड़ी पहचान सी हरियाणा में, यो एक गेम है क्यों भाई? हाँ सही बात है भाई, कबड्डी तो भाई मतलब आधा हरियाणा जुट रहा है और तो इसने भाई बल्कि खट्टर पिछले जान लग रहा है, तो मतलब उसने थोड़ा तो ध्यान देना चाहिए। ईब तो ये नेशनल ने उसने इनमें भी कबड्डी बाहर कर दी भाई, गलत बात है, जिस तरह मतलब पूरा हरियाणा जुट रहा है और उसे ने गेम ने पिछले जान लग रहा है, तो भाई गलत बात है खट्टर साहब की। भाई सुनेंगे थारी बात ने, तो इंटरव्यू ने और आगे बढ़ावा। तो भाई साहब जैसे पंजाब में खेलने जाओगे अपनी टीम भी लेके कदे पंजाब गए हो या किसी क्लब में पहले भी कदे खेले? ना भाई पहली बार खेलूँ मैं क्लब में, BBS रूट का क्लब में, बल्कि कल जाना था, कल फिर उरे टीम भर रखी तो शायद तो गांव वाले बोले 16 ने खेले ही उरा अपनी टीम भर रखी, मैं ठीक है तो भाई 16 ने पहली बार खेल के आऊँगा भाई पंजाब में। तो मन अजीब सा वो तो हो रहा होगा भाई, थोड़ा तो है क्यों पहली बार खेल के आऊँगा किसी क्लब में, तो भाई थोड़ा तो नु है भाई थोड़ा प्रेशर सा भी है क्यों सारे नए खिलाड़ी हो गए पहली बार पंजाब में खेल के आऊँगे, तो भाई फिर क्लब के खेल है बड़ा खुल के खेलिए। हाँ भाई जमा तसली है। चलो बहुत बढ़िया, खुल के खेल लगा तो बढ़िया खेल दिखा पाओगा, दर्शक बिराजी होंगे तेरे गांव वाले बिराजी होंगे, हमारा छोरा ना पंजाब में जाकर धूम मचाएगा। हाँ या तो है भाई गांव बड़ा खुश होगा, इनती मेरा बेटे खेल के आऊगा तो बहुत ज़्यादा खुश है, बोला बस इटो सोड़ा होगा कल बड़े मैच देखेंगे जाऊँगे। बहुत बहुत बढ़िया। जैसे मैं इंटरव्यू लेता रहूँ आज आपका लेन लाग रहा हूँ, कदे किस्सा ने घेरी खड़ा रहूँ, कैसा लग गया? बढ़िया लग गया भाई, अच्छी बात है खिलाड़ी विचार सब तक पहुँचा है, अच्छी बात है भाई आपकी, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो मजा। हाँ भाई जमा आप देख, हाँ भाई सारे एक एक इंटरव्यू देखो जमा। चलो भाई मेरी तारीफ करी है तो अपनी तारीफ सुनकर तो सारे राजी होंगे, मैं भी हो गया। तो भाई साहब जैसे मैं चाहूँगा आप पंजाब में जाओ बढ़िया परफॉर्म करो, मैंने भाई एक बात सुनी है सारे प्लेयर कहे हैं पंजाब तो विदेश का रास्ता बना है, भगवान आप भी को भी विदेश का रास्ता दिखा। हाँ भाई वो है बात, मतलब बढ़िया खेले तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया भाई भेज दे बढ़िया खिलाड़ी ने, तो भाई भगवान की मर्जी तो केवल अपना ही बन जाए काम के बिरा पटा है, भगवान की मर्जी तो सही है साथ में आपकी मेहनत। हाँ या तो है भाई मेहनत तो देख रंग लियावेगी, बढ़िया मेहनत करेंगे भाई बढ़िया खेलेंगे तो भाई भगवान जरूर देखेगा। तो भाई आज पहलवान जी तो बात करी बहुत बढ़िया लग गया, पहलवान जी ओपन खेलने लगे जब आप? हाँ तो ओपन में भी बेस्ट आए? हाँ भाई 3-4 जगह ओपन में बेस्ट लिया मैं, बड़ी सोनी पता था भाई, फिर लोचब की धरती बेस्ट रहा था भाई, 8 की धरती पे इब 5 तारीख ने कोथी थी गौ माता पर भी बेस्ट था भाई मैं जॉइंट में। क्या मिला? गौ थी भाई। तो गौ आपको मिली? वो भाई फिर 3 थे हमें तो जॉइंट में, तो फिर हमने सलाह करके वो गौशाला में दान कर दी, पुन बिकड़ियाँ काम आ जाएगा। कति बढ़िया भाई, ताली बजाओ इस बात के ऊपर, तो बहुत बढ़िया करा सर ने, सही बात करी है। तो भाई साहब उससे पहले जो आप बेस्ट आए बाइक बुइक के एक सपना रहा है किसी भी नए खिलाड़ी आवे मैं ही बाइक जीतूँ, आपने जीती? ना भाई बाइक कौन जीती अब तक, ये भाई 11,051 या बस गौवे जीती है, बाइक कौन जीत पाई भाई आज तक, सपना ही रह रहा है इस बात का। तो सपना जल्दी पूरा होगा तेरा, बढ़िया खेल दिखा प्रदर्शन अच्छा कर पूरी मेहनत करा कर, मेहनत तो बात आ गई कैसी मेहनत करा रहा?
मैं तो भाई पहले जुगर मोपलू अनफिट थे तो भाई कोच से हमारे शिवानी के तो वो करवाए करते भाई, मतलब वो अच्छे बढ़िया एथलेटिक रह लिए तो रनिंग के हिसाब से मतलब रनिंग करवाए करते भाई 3-4 किलोमीटर की सूट सपराटे और इटी से भाई एक्सरसाइज सारी मतलब वो प्रैक्टिस सी और फिर गेम करवाए करते, मतलब दो मत बीच में खाड़ा करवाए करते और फिर खाड़ा के बाद डंड रासा वेट अलग रह गया भाई, मतलब 2-3 घंटे 3 घंटे भाई करवानी करवानी घंटा 1.5 घंटा सवेरे दोनों टाइम प्रैक्टिस आए करते हो स्पेशल आए करते ना उनकी कदम हमारे कोई पैसा लिया किसी भी तरह का, तो अभी भी उनकी बहुत अच्छी बात है मामले देने की कोशिश करी, मतलब गांव में सम्मानित कर दिए वो भी दिक्कत है बाकी उन्होंने कदम हमारे पैसा भी कौन लिया। बहुत बढ़िया बात है भाई, इस तरह सहयोग करेंगे तो और भी पहलवाना का इंटरेस्ट होगा और भी खेलेंगे इनका भी मन बना रहेगा। तो काफ़ी समय भाई साहब आपने मेरे को दिया, घनी देर खड़े रहे मेरे तो बात करी पूरा इंटरव्यू इंटरेस्टेड इंटरव्यू दिया, उसके लिए तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा पहलवान जी। और भाई रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो नशे पते हैं जिनका थोड़ा सा बीच में कराया था उस तक दूर रहिए, बिल्कुल भी सुनील इसका ना देखिए मत। हाँ जरूर भाई, नशे पे तो दूर रहूँ, खेलना छोड़ दें नशे पे कौन करा भाई। बहुत बढ़िया भाई, तो भाई आज जो सुनील का इंटरव्यू लिया बहुत बढ़िया बात करी भाई साहब ने, बढ़िया लगे इस तक मिलकर, तो भाई इतने टाइम मेरे दौरे खड़ा रहा समय दिया उसके लिए इनका तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी। धन्यवाद बलवान जी। ठीक है भाई धन्यवाद बलवान जी। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद। जय कबड्डी, जय हरियाणा, जय हरियाणा, जय हिंद। थैंक यू भाई।